नमस्कार जी, मैं एडवोकेट रिकी गुप्ता फ्रॉम SMLG टैक्सेशन कंपनी। जो ये मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, ये है जो बैंक्स हैं आजकल 2% TDS काट रहे हैं। जो आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे 2% TDS काटने की मांग कर रहे हैं। वो सभी से ही मांग कर रहे हैं, बेशक कोई इनकम टैक्स असेसी हो या ना हो, सभी का 2% TDS काटने के लिए उसको जो अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट के हैं या करंट अकाउंट के हैं, उनको वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपना 2% TDS की अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट करें। वो आपका TDS 2% के हिसाब से काटेंगे। जो आपने कैश विड्रॉ किया है वो सभी से ही काट रहे हैं, जबकि वो गलत है। इसमें रूल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 194N, जिसमें अगर एक असेसी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ करता है तो उस पर 2% TDS काटने का प्रावधान है अंडर सेक्शन 194N। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं एक बैंक से, जैसे आपके चार बैंकों में अलग अलग बैंकों में खाते हैं, तो आप चारों बैंकों में एक एक करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी TDS। सभी अलग अलग बैंकों में एक एक करोड़ रुपए की आपको लिमिट मिलेगी कैश विड्रॉ करने की। वो सभी बैंकों की इकट्ठी लिमिट नहीं है, हर बैंक की अलग अलग लिमिट है एक एक करोड़ रुपए की अंडर सेक्शन 194N। उसमें एक रूल है, अगर जो अकाउंट होल्डर है उसने जिस वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ किया है, उससे पिछले 3 सालों की अगर इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी हुई है उसने रेगुलर अंडर सेक्शन 139(1), यानी कि जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है उस रिटर्न के पीरियड में उसने अपनी रिटर्न लगातार 3 सालों की अगर नहीं भरी हुई है, तो उसका जो 1 करोड़ की लिमिट वो घटकर 20 लाख हो जाती है। फिर जो बैंक को अधिकार दिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से, वो 20 लाख से अगर ऊपर कैश विड्रॉ है तो फिर वो 2% के हिसाब से 20 लाख से ऊपर की रकम का 1 करोड़ रुपए तक का 2% के हिसाब से TDS काटेंगे। और 1 करोड़ के ऊपर की लिमिट है, जो जो विड्रॉल 1 करोड़ से ऊपर का है उस पर वो 5% के हिसाब से TDS काटेंगे। ये रूल है। अगर आपने लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की हुई है, जिस साल में आपने विड्रॉ किया है कैश उससे पिछले 3 सालों की आपने रेगुलर ITRs विद इन इनकम टैक्स के टाइम पीरियड जो अंडर सेक्शन 139(1), जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है, जैसे इस बार फाइनेंशियल ईयर 19-20 की डेट थी जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो 10 जनवरी 2021 थी, तो जो विद इन इनकम टैक्स की द्वारा निर्धारित की गई जो इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट के अंदर आपकी 3 रिटर्न भरी हुई हैं, तो बैंक को जो अधिकार है वो आपका TDS काटने का अधिकार 1 करोड़ से ऊपर की रकम पर है 2% के हिसाब से। अगर आपने कोई रिटर्न नहीं भरी हुई या 3 में से 2 भरी हुई है तो बैंक आपका जो TDS डिडक्शन है वो 20 लाख से ऊपर कर सकता है। जो विड्रॉ किया है आपने 20 लाख से ऊपर की रकम 1 करोड़ तक की पे 2% के हिसाब से आपका TDS काटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर की रकम पर 5% के हिसाब से TDS काटेगा। बट अगर बैंक आपको फोर्स कर रहा है कि आपने रिटर्न भी भरी हुई है 3 रेगुलर विद इन टाइम लिमिट, और आपको जो विड्रॉल है वो 1 करोड़ से नीचे का है, फिर भी बैंक आपको फोर्स कर रहा है कि हम TDS काटेंगे, देन दैट इज़ इलीगल, दैट इज़ नॉट एज पर लॉ। तो आप बैंक को 194N का रेफरेंस देते हुए उनको रिक्वेस्ट करें कि सर आप मेरा TDS नहीं काट सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल टू डिडक्ट TDS ऑन माई विड्रॉल्स बिकॉज माई विड्रॉल्स आर लेस देन 1 करोड़। ये 194N के अंदर प्रावधान दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ और इसमें मशवरा चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 80542 11760। आप कॉन्टैक्ट कर सलाह मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।